नमस्कार, आइए शुरू करते हैं अलजेब्रा। क्वेश्चन ऐसे होगा, ए प्लस वन बाई ए इक्वल टू वन, तो फाइंड करना है ए क्यू इक्वल टू वाट। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ए क्यू प्लस ए के पावर जीरो इक्वल टू वाट। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ कैसे होगा। यहाँ तो माइनस वन होगा। तो आइए हम यहाँ एक्स लेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन। अब इसे एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जो एक्स है इधर आ गया। अब यहाँ दोनों तरफ एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स प्लस वन। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा जो है ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनता है, इसी इसी चलते यहाँ पे हम लोग एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किए हैं, तब ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वन क्यू इजकल टू जीरो। अब यहाँ से दो रिजल्ट आएगा, पहला जो है एक्स क्यू प्लस, इसे एक्स जीरो लिख सकते हैं इजकल टू जीरो। यानी जब जब भी एक्स प्लस वन बाई एक्स इजक्वल टू वन होगा, तब एक्स प्लस एक्स एक्स थ्री प्लस एक्स जीरो में पावर का डिफरेंस अगर थ्री होगा तो हमेशा शून्य होता है। जब भी एक्स प्लस वन बाई एक्स इजक्वल टू वन होगा, उस क्वेश्चन में एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर जीरो का दोनों का डिफरेंस माइनस डिफरेंस थ्री होगा तो ये शून्य होगा। ठीक है, या यहाँ से एक्स क्यू इक्वल टू माइनस वन, ये दो हो गया। जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन बताया था, ए क्यू इक्वल टू माइनस वन यहाँ से, और यहाँ पे जो है जो इसका डिफरेंस जो होगा तो यहाँ पे शून्य होगा। अब माइनस वाला देखेंगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एलसीएम लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर दोनों तरफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू। तो यहाँ पे फार्मूला जो बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि एक्स क्यू माइनस ए क्यू इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से दो रिजल्ट आया, पहला एक्स क्यू माइनस ये इक्वल टू जीरो, यानी कि जब डिफरेंस माइनस होगा डिफरेंस तीन होगा थ्री होगा तो जीरो आएगा रिजल्ट। या एक्स क्यू इक्वल टू वन,